वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का 14.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स का है। 14.3 में है माध्यक निकालना है, मीडियन। इससे पहले हम लोग 14.1 पढ़ चुके हैं, 14.2 भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा 14.1 और 2। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि इसे आसान और बेस्ट सॉल्यूशन आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आप एक बार जरूर देखिए। और दूसरी बात कि आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा कैसे लगा। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आए। तो यह माध्यक, माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। यह एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर का है। तो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला होता है इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। यह सी एफ है, सी एफ, ठीक है। अब देखते हैं एल किसको कहते हैं, एन बाई टू किसको कहते हैं, सी एफ किसको कहते हैं, एफ किसको कहते हैं और एच किसको कहते हैं। तो एफ को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। सी आई को बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, वर्ग अंतराल। और सी एफ को बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, मतलब संचय बारंबारता। तो सी एफ निकालने का सबसे आसान तरीका होता है क्या, देखिए अच्छे से देखिए। सी एफ निकालने का सबसे आसान तरीका, ये चार है तो इस चार को हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। फिर इस चार को इस पांच के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा नौ। फिर इस नौ को तेरह का साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 और 13 को जोड़ेंगे तो आता है 22। फिर यह 22 और 20 को जोड़ते हैं तो 42। यह 42 को इस 14 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56। और फिर इस 56 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो आता है 64। और 64 को 8 के साथ जोड़ते हैं तो 68। तो इस तरह से सी एफ निकालेंगे। एफ को भी पूरा जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये एफ को पूरा जोड़ने से आता है 68। मतलब ये कि ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ 68 और यहाँ 68 दोनों बराबर है मतलब सी एफ भी हमारा सही है और एफ भी सही है। अगर दोनों आगे पीछे आ जाता है तो वो गलत हो जाएगा। इस 68 को हम लोग लेंगे एन, एन बराबर हो गया 68, ठीक है। अब क्या करेंगे तो ये हमारा एन निकल गया। अब सी एफ एच एफ निकालना है। अब इसमें देखिए एफ में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये 20 दिखाई दे रहा है। तो ये 20 क्या हो जाएगा, एफ। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एफ बराबर 20। अब एफ के इर्द गिर्द देखेंगे, एफ के अब इस साइड जाएंगे, किस साइड, तो इस साइड सीधे में। तो ये दोनों में छोटा कौन है, तो 125 छोटा है, जो छोटा रहता है उसको हम लोग एल बोलते हैं, एल इक्वल टू 125। अब ये दोनों में अंतर कितना का है, तो दोनों में 20 का अंतर है तो वो हो गया एच, एच इक्वल टू हो गया 20। यहाँ एन इक्वल टू 68 है तो लिखेंगे एन बाई टू इक्वल टू 68 बाई टू, कटेगा तो आ जाएगा 34। अब एक हमारा बच गया सी एफ, सी एफ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एन बाई टू कितना है यहाँ पे 34। अब 34 हम देखेंगे इधर किसके बीच में 34 आ रहा है, 4 और 9 के बीच में 34 नहीं आता है, 9 और 22 के बीच में भी 34 नहीं आता, 22 और 42 के बीच में आता है 34। तो ये दोनों में छोटा कौन है, 22 छोटा है या 42 छोटा है, तो यहाँ पे 22 छोटा है। तो यहाँ सी एफ, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा 22। इस तरह से हम लोग सी एफ निकालेंगे। एक तरीका और है सी एफ निकालने का, ये जो एफ था, एफ के हम लोग ठीक इधर आएंगे, एफ के किधर आएंगे हम लोग, ठीक इधर आएंगे और इधर आके एक घर ऊपर चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा सी एफ जो 22 निकलेगा। दो तरीका सी एफ निकालने का है, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एल, एल बराबर यहाँ लिखेंगे 125। यहाँ एक जगह लिखने का यह खास मकसद है, ये एक जगह क्यों लिखे हैं, लिखने का यह मकसद है कि छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर हम किचन में खाना बनाते हैं तो किचन में हम एक जगह पर ही सब चीज रखते हैं, हल्दी मसाला तेल नमक चावल आटा, क्यों, क्योंकि खाना बनाते हुए जिस चीज का रिक्वायरमेंट आपको रहेगा, जरूरत, उस चीज को हम लेते हैं। उसी तरह से इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए, माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए हमको ये सब चीजों की जरूरत है, इसीलिए इसको एक जगह पे लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर मिलता है। देखिए तो L बराबर 125, n बाई टू, n बाई टू यहाँ कितना है 34, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर दिए 34। सी एफ, सी एफ कितना यहाँ पे 22,
और एफ, एफ कितना है यहाँ पे देखिए, एफ निकला हुआ तो यहाँ 20, और एच, एच कितना है, एच है यहाँ पे 20। अब सबको हल करेंगे तो यहाँ हो गया 125 प्लस 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना बच जाता है, 34 में से 22 घटाए तो 8 4 12, और नीचे हो गया 20, और इधर था 20 तो यह 20 और 20 कट गया तो 125 बचा, और इधर 12 तो 125 और 12 कितना हो जाएगा, 137, यह हो जाएगा आंसर। तो देख सकते इस तरह से मैथ निकाला गया, इसी क्वेश्चन में दिया गया है, यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 14.3 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने बताया गया है। तो हम लोग थोड़ा हिंट्स दे देते हैं हम कि माध्य और बहुलक कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे अगर इसका हम लोग अगर बहुलक निकालते हैं, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए मतलब मोड निकालने का तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मोड बहुलक क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, यही होता है बहुलक, मतलब बहुलक निकालने का फॉर्मूला। तो बहुलक में से क्वेश्चन यही रहेगा, बट यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ, F बराबर हो जाएगा 20। अब 20 के ठीक ऊपर जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं F0, तो यहाँ यह F1 था, F0 हो जाएगा 13, और ठीक इसके नीचे वाला जो रहता है वो क्या कहलाता है, F2, F2 हो जाएगा 14। अब ये दोनों में जो छोटा उसको L बोलते हैं, L बराबर हो जाएगा 125, और इधर दोनों में अंतर कितना का है, 20 का, तो H बराबर हो जाएगा 20। इस तरह से यह निकला। अब फॉर्मूला हम इसको यहाँ फिट करते हैं तो L बराबर दिया हुआ है 125 प्लस F1, F1 यहाँ कितना है, F1 है यहाँ पे 20, F0 है यहाँ पे 13 बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 इंटू 14, और गुना हो जाएगा यहाँ पे H हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ आएगा 125 प्लस 20 में से 13 जाएगा तो 7, 20 दूनी 40, और यहाँ 13 और 14 को करते हैं तो आता है 27, और यहाँ हो जाता है 20। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस यहाँ हो गया 7, या 20 से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 में से 27 घटाते हैं तो आता है 13, फिर 125 देखिए 7 2 14, 140, 140 को 13 से अगर हम लोग क्या करते हैं भागा देते हैं तो 10 पॉइंट आता है, 76 आता है, और जब 125 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 135.76, और यह हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से यह बहुलक मोड निकलेगा, ठीक है, देख सकते हैं कैसे निकाला गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या करना है, माध्य निकाला है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, उतारिए समझिए, बहुलक पहले भी निकालने सिखाया गया है, अब इसी क्वेश्चन से माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यही रहेगा, बट यहाँ पे ऐसे करके चार्ट हम लोग जो बनाएंगे, यह एफ था, अब हमको यहाँ पे चाहिए एक्स आई, यह था एफ आई, एक्स आई चाहिए, एक्स आई मतलब ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते हैं तो आ जाता है 75, फिर ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो आता है 95, फिर ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देते तो आता है 105, उसी तरह से ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो 135, फिर 155, फिर 175, फिर आता 195, तो ये हो गया एक्स आई। अब यहाँ से निकालना है एफ आई और एक्स आई, तो क्या करेंगे, यह एफ आई यहाँ पे देखिए ये 4 है और ये एक्स आई 75, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 300, फिर 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाता है, 5 9 45 46 47, तो इस तरह से जब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिखते हैं, तो हम लोग माध्य मतलब मीन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मीन का क्या पढ़े हुए हैं, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई,
बस इसका जो था सिग्मा को अगर पूरा जोड़ दे तो ये आता है 60, तो ये नीचे हो जाएगा 60। और ये पूरा को जोड़ते हैं जितना आएगा, यहाँ लिख करके जब दोनों को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देखिएगा, ठीक है, तो जो भी आएगा डिवाइड करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग मायदे निकालने तो पहले भी सीख चुके हैं, तो इसी तरह से मायदे निकालना है। एक क्वेश्चन पे मीन, मीडियन, मोड तीनों कैसे निकाला वो हमने इस वीडियो में दिखाया आपको, आप देख सकते हैं। चलिए और देखते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उसे सॉल्व किए जाएंगे। अभी देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन जो वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो है इस तरह से दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ है, यहाँ एफ दिया हुआ है, जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और यह मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर होता है मायदिक बराबर एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहां से हमको सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ फाइव है तो लिखेंगे फाइव, फाइव और एक्स को प्लस करते हैं तो फाइव प्लस एक्स आता है, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस तो 25 प्लस एक्स, 25 को 15 के साथ प्लस करते हैं तो आता है 40 प्लस एक्स। अभी 40 को y के साथ इसको प्लस करते हैं तो 40 प्लस एक्स प्लस आ जाता है y, फिर 40 को इसके साथ प्लस करते हैं तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इस तरह से यह बनेगा। अब इसको आगे देखते हैं क्या करना है। ये n इक्वल टू 60, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले, अब हम लोग को यहाँ से n इक्वल टू 60 के ये कंप्लीट, अब हम लोग को l इक्वल टू चुनना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले f कौन है, तो ये 20 जो है वो f है, सबसे पहले इसी को पकड़ना, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग f बराबर 20। अब 20 के ठीक इधर आएंगे 20 और 30 में, तो सबसे छोटा जो है उसको l बोलते हैं, तो l इक्वल टू 20 हो गया। दोनों में अंतर जो है वो 10 का, इसलिए h बराबर लेंगे यहाँ पे 10। अब ठीक इसके बाद हम लोग 20 है, 20 के ठीक हम लोग इधर आएंगे और ठीक इसके ऊपर वाला में जाएंगे, तो यह हो जाएगा हमारा सी एफ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सी एफ बराबर कितना है 5 प्लस एक्स, ठीक है। और ये n इक्वल टू 60 है, मतलब n बाई टू अगर करते हैं 60 बाई टू, तो ये कट करके आ जाएगा यहाँ 30। अब सब चीज हमको मिल चुका है, l मिल गया है, n बाई टू मिला है, सी एफ मिला है, f मिला है और h, तो वेल्यू पुट कर देते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में माध्यक भी दिया हुआ है, माध्यक जो है मीडियन वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 28.5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 28.5 आया कहाँ से, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ लीजिए, माध्यक मीडियन बराबर 28.5, एल यहाँ पे है 20 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू कितना था यहाँ 30, माइनस सी एफ, सी एफ हमारा 5 प्लस एक्स है, इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब यहाँ देखिए एफ, एफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 इंटू एच, एच कितना है यहाँ पे 10, तो अभी अब 20 है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 30, यहाँ जाएगा माइनस 5, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस एक्स भाई, यहाँ बच जाएगा 20 और इंटू यहाँ 10, 10 को अगर हम लोग काटते हैं तो नीचे आ जाता है 2, और 28.5 में से माइनस करते हैं तो आता है 8.5, 30 में से 5 घटेगा तो बचेगा 25 माइनस एक्स, और नीचे बच गया 2, या 2 से इसको गुना करेंगे 8.5 इंटू 2, और इधर हो गया 25 माइनस एक्स। अब स्पेस इधर कम हो गया तो इधर इसको सॉल्व करते हैं, 8.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 17 बराबर 25 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स को उठा करके इधर ले आते हैं, इधर बच जाता है 25 प्लस, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और जब घटाएंगे 25 में से 17 तो 5 और 3 हो जाता है 8, तो एक्स बराबर हो गया 8। अब हमको यहाँ से वाई निकालना है, तो हमारे पास यहाँ स्पेस कम हो गया है तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक्स कैसे निकालेंगे वो हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक उतार लिए होंगे आप। अब हम इसको यहाँ से मिटा रहे हैं एक्स निकालने के लिए, देखिए यहाँ से मिटा रहे हैं, उतार सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 60 इक्वल टू, जो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 45 प्लस एक्स प्लस वाई और 60, तो ये जो क्वेश्चन था 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60,
इससे पहले का क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दोनों बराबर होता है, तो यहाँ हो गया 45 प्लस एक्स, देखिए एक्स कितना है यहाँ पे 8 आया है, तो 8 हम एक्स के जगह पे यहाँ 8 रखते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 60, तो 45 और 8 हो जाता है 50 और 3 53, प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई बराबर हो जाएगा इधर 60 प्लस 53 उधर जाएगा तो जाएगा माइनस 53 और घटेगा तो 7, मतलब y बराबर 7 आया और x बराबर आ गया 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कैसे बना ये क्वेश्चन, थोड़ा लंबा है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो इस तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन इस तरह का इम्पोर्टेंट हो, अलग टाइप का हो, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप इसको उतारना चाहते हो उतार सकते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है सी आई इक्वल टू बिलो देन 20, बिलो देन 25, बिलो देन 30, बिलो देन 35, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो दिया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें भी माध्यक निकालने बोला है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाना है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 20 से कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सी एफ, हम जानेंगे कैसे कि यह सी एफ है, यह क्वेश्चन जो है यहाँ पे तो एक्चुअली एफ दिया रहता है बट यहाँ पे तो सी एफ दे दिया है, कैसे पता कि देखिए सब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा, 2 से 6, 6 से 24, 24 से 45, 45 से 78, 89, 92, 98, 100, तो इस तरह से यह सबसे छोटा से बड़ा दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि यह क्या है, सी एफ है। अगर एफ रहता तो कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह से नंबर दिया रहता, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सी आई को इसको दोबारा हमको लिखना है, और जैसे यहाँ 20 से कम दिया हुआ है तो इसको कुछ नहीं करना, इधर से हम ऐसे मिटा देंगे। ठीक है, इस तरह से मिटा दिए, अब यहाँ लिख देंगे हम लोग ऐसे करके 15 से 20, अब ये 20 को नीचे डाल देंगे, 20 से 25, फिर यहाँ 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर यहाँ 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55 और फिर 55 से 60, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तो ये सी आई क्लास इंटरवल्स निकल चुका है, अब ये सी एफ है, तो सी एफ हम लोग देखे कैसे दिया हुआ है, एफ और सी एफ में क्या डिफरेंस है अभी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ निकालते तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, अब रिवर्स करेंगे, यहाँ एड करते तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 घटेगा 4, फिर 24 में से 6 घटाते हैं तो हो जाता है 18, फिर 45 में से 24 घटाएंगे तो 21, फिर 78 में से 45 घटाएंगे तो 30 कितना बच जाएगा यहाँ 33, फिर 89 में से 78 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 92 में से 89 घटाएं तो 3, 98 में से 2 घटाएं 6 और 100 में से 98 घटाएं तो 2, और जब ये सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा n इक्वल टू 100। तो सी एफ और एफ दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड सी एफ, तो देख सकते हैं एफ में ये छोटा है तो ये बड़ा, फिर ये बड़ा हो गया, ये बड़ा तो ये छोटा, फिर ये छोटा तो ये छोटा, फिर ये बड़ा, फिर छोटा, तो देखेंगे। और सी एफ में क्या, सब देखिए छोटा से बड़ा नंबर गया, मतलब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में ये गया हुआ है, मतलब छोटा सा बड़ा, तो इससे पता चलता है कि यह सी एफ था और यह एफ निकल चुका है। और सी आई कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल करके दिखा दिया, तो इस तरह से हम लोग चार्ट बना लेंगे। अब फिर देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ 33 है तो यह हो जाएगा एफ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 33। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, बस मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ। अब एफ के ठीक इधर आएंगे और ठीक इसके आने के बाद कहाँ जाना था, ऊपर, यह 45। ठीक है, 45 यहाँ हो जाएगा आपका सी एफ, सी एफ इक्वल टू 45। सी एफ निकालने का एक और तरीका है, जैसे एन बाई टू यह है, एन बाई टू इक्वल टू 100 बाई टू करते तो कितना आता है 50, और 50 देखिए किसके बीच में आता है, 2 और 6 के बीच में 50 नहीं आता है, 6 और 24 के बीच में 50 नहीं आता, 24 और 45 के बीच में भी 50 नहीं आता, 45 और 78 के बीच में 50 आता है, इसलिए जो छोटा नंबर रहता है उसको हम लोग लेते हैं सी एफ।
फिर 33 के इधर जाएंगे और इधर देखेंगे 35 और 40, तो दोनों में जो छोटा रहता है उसको हम लोग एल लेते हैं, तो यहाँ एल इक्वल टू हो जाएगा 35, और दोनों में जो अंतर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एच, एच इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये जो टोटल है, इस टोटल को हम यहाँ पे वेल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यक निकलेगा। तो आपको इसको बनाना है, सब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे बताइए, आपको भी तो ट्राई करना चाहिए ना। ठीक है, आंसर तो बुक में दिया होगा, बस आपको ये चीज मैंने हिंट्स के तौर पर भी बता दिया है कि कैसे निकालना है, सॉल्व कीजिए इसे घर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन में हिंट्स दे रहा हूँ आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ दिया 118 से 126, 127, 135, 136, 144। तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 126 है बट यहाँ 100 क्या दे दिया है, 27। और इसे पहले का क्वेश्चन में देखते थे कि जो यहाँ रहता था वो यहाँ रहता था, 135 यहाँ है तो यहाँ पर भी 135 रहता था, बट यहाँ डिफरेंस है। तो इसको हिंट्स भी दिया गया है कि इधर आपको 0.5 घटाना और इधर 0.5 जोड़ना है। तो कैसे क्या क्या, देखिए यहाँ 118 यहाँ था जिसको 0.5 घटाए तो 117.5 आया, और 126 था इसमें 0.5 जोड़ दिए तो 126.5 आया। तो अब जो देखिए यहाँ पे 126.5 है तो इधर भी 126.5 आ गया, मतलब ई वाला लाइन में हम क्या किया, 0.05 घटाए हैं और इस वाला लाइन में 0.5 जोड़े हैं, तब जा करके ये नीचे वाला नंबर बन करके आया, और फिर यह F है। तो अभी निकालने के लिए सिखाया गया आपको कि कैसे निकालना है, तो यह हो जाएगा F हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको CF निकालना है, और ठीक इधर जाएंगे तो यह छोटा वाला हो जाएगा L, और दोनों के बीच में जो अंतर हो जाएगा वो हमारा H होता है। तो इस तरह से करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बनाइए, ये वीडियो हमारा ज्यादा लंबा बन जा रहा था, इस वजह से यहीं पे समाप्त किया जा रहा है इस वीडियो को। इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दिया जाएगा आपको। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा। ठीक है, इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा, बताया जाएगा, आप उस वीडियो को भी देखिएगा, इसका आधा अधूरा क्वेश्चन उसमें बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स।